जय घोष करेंगे दोनों हाथों को उठाकर, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही बार हाथ उठाएंगे, एक ही बार। इसके बाद आपका मन हो तो उठाइएगा, ना हो तो मत उठाइएगा। सही है, हम फोर्स नहीं करेंगे, बस एक बार। जितने भी भक्त बैठे हैं प्रांगण में, अगर सच्चे दिल से परमात्मा को मानते हैं, चाहते हैं, सच्चे भक्त हैं, तो एक बार उठा के दोनों हाथ, जितने लोग बैठे उठाइए दोनों हाथ, उठाइए दोनों हाथ सब लोग, और कहेंगे बोले संकल्प भगवान की जय। आइए एक छोटा सा गीत अपनी बड़ी बहन के लिए, बहुत ही सिंपल सा, और धुन मेरी बहन ने सुनी होगी। हो कसूरों पर जो कीचड़ उछाल देता है, तो नहीं पा सकता वो कभी अपनों से इज्जत, जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। तो फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गा दिया, क्या गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, यही सेटरडे जी बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया। ये प्रथम आशीर्वाद है शिव शक्ति नवयुवक दुर्गा पूजा समिति मिर्चिया भैया हमारे मनोज कुमार सैनी जी, 51 मुद्राएं भोलेनाथ के चरणों में सप्रेम भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साजवाद। तो कहना है आदरणीय दादाजी, जब आप लोगों को मैंने देखा, क्योंकि यहाँ जवाबी बहुत दिनों से हो रही है, हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से कलाकार आ रहे हैं, बहुत ही जो कलाकार इस दुनिया में नहीं है वो भी आए होंगे, और जो हैं वो तो आ ही रहे हैं। जो कलाकार इस दुनिया में नहीं है मैं उनको नमन करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों, जहाँ भी हों वहाँ से आशीर्वाद बनाए रखें, और आप लोग चाहे जितनी दूर चले जाएं हम कीर्तनकारों के दिल में हमेशा याद रहेंगे, हमेशा अमर रहेंगे। कहना है क्या, क्या कहना कि हंसता हुआ बचपन वो महका हुआ मौसम है। परमात्मा के प्यार का है और क्या, अरे होगा नशा जो तैयार वो प्यार है, सोफियों में घोला जाए फूलों का सवार।
में फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा नशा जो तैयार, अरे होगा नशा जो तैयार, वो प्यार है सोफियों में घोला जाए फूलों का विदारनहार, तो लज्जा मेरी राखिए शिव नंदी के असवार। जब इस दरबार में मैं आया दादाजी, मैंने सोचा परमात्मा को क्या चढ़ाया जाए, और ये मनोज मिश्रा जी, हाँ कमेटी वाले भैया एक लोग आ जाइए, आदरणीय श्री मनोज मिश्रा जी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य, आप तरफ से 5100 रुपए कमेटी को दिए गए हैं, तो कमेटी के सदस्य आ जाएं और ये ले लें। एक बार जोरदार तालियां हमारे उनके लिए बजा दें जिन्होंने परमात्मा के चरणों में हमारे जो ये दान दिया है, जो ये चंदा दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। कहना है क्या? मैंने सोचा कि हे परमात्मा आपको क्या चढ़ाया जाए। लोगों ने कहा पहले हार से शुरुआत कर ली जाए। जब मैंने भोले बाबा को देखा, मंथन किया दादाजी, तो मैंने सोचा क्या है मन में कामना मेरे, मैं भी एक हार चढ़ाऊं। अच्छा साउंड बोल रहा है। सुनेगा जो भैया लोग आए हैं, मैं सबका ध्यान केंद्रित चाहूंगा कि लाइनों को ध्यान दें। मैंने सोचा परमात्मा को एक हार चढ़ाया जाए। भैया जी जो लोग बैठे हैं, कहना है अरे है मन में कामना मेरे, मैं भी एक हार चढ़ाऊं। पर जब भोले बाबा को देखा तो मैं विचार करने लगा क्या कि है मन में कामना मेरे, मैं भी एक हार चढ़ाऊं। पर शीश भवानी जी के, अरे बोलो कहां से लाऊं, बोलो कहां से लाऊं, भोलेनाथ के गले में तो मुंडों की माला पड़ी है। तो मेरा कहना है क्या पर शीश भवानी जी के, अरे बोलो कहां से लाऊं। तो कंठ में जो धारे हैं, कंठ में जो धारे हैं, समझते रहिए भैया, कंठ में जो धारे हैं सती शीश न्यारे हैं, देख के गया मैं जिसको हार, क्या हार है, देख के गया मैं जिसको हार, क्या हार है, हार लाल जवाहर हीरा मोती कुछ मणियों के हार। मैंने सोचा ये माले चढ़ा दूं, लाल जवाहर हीरा मोती कुछ मणियों के हार, इसके आगे फीके लगे सब पुष्पों के हार, देख के गया मैं जिसको हार, क्या हार है, लाल जवाहर हीरा मोती कुछ मणियों के हार।
भोलेनाथ का मैंने भोग देखा। बड़ी बहन नीलम जी, वाह वाह, बहुत सुंदर, कितना अच्छा बोल रहा है। जब मैंने कहा कि बाबा भोलेनाथ को कुछ खिला ही दूं, तो देखा क्या क्या, अरे किसे बनाऊं रस्सी और किसे बनाऊं मथानी, किसे बनाऊं मथानी, और इतनी नहीं है क्षमता, मत दूं सागर का ये तो विष पीने वाले हैं। और का देख के गया मैं जिसको हार क्या आहार है, तो सोचा क्या, अरे अरे लड्डू पेड़ा भांग धतूरा व्यंजनों के थार, लड्डू पेड़ा भांग धतूरा व्यंजनों के थार, कूट के आगे प्रभु अर सब कुछ है बेकार, सब कुछ बेकार है, क्यों क्यों, देख के गया मैं जिसको हार क्या आहार है, नाद तूरा मेरा दादाजी, और जो माताएं बहने बैठी हैं गीत को सुनेगा। जब परिवार की तरफ मैंने नजर डाली तो देखा क्या क्या, अरे हर देवों में भोले, अरे आपका ढंग निराला, अरे अपने घर में पाला। अब दुश्मन कौन कौन है, कौन कौन बेटे, अरे एक दूजे के दुश्मन, अरे अपने घर में पाला, अब दुश्मन कौन कौन है सुनेगा सुनाइएगा, नेत्र अग्नि धारा है, तीजे नैन में अग्नि है, नेत्र अग्नि धारा है, शीश व्यवहार है,
चूहा के संग नाग घूमते नाग के संग मुरैला। गणेश जी का बहान चूहा, अब कार्तिकेय जी का बहान मोर, और सर्प कांधे में लटकाए हैं। अगर कलयुग में चूहे को सांप देख ले तो चूहे को खा जाएगा, समझते रहिए, और सांप को अगर मोर देख ले तो मोर खा जाएगा। पर यहाँ ऐसा नहीं है। देख के गया मैं जिसको हार क्या व्यवहार है, अरे चूहा के संग नाग घूमते नाग के संग मुरैला, अरे कुत्ता हेरे टुकुर टुकुर और सिंह के साथ मबैला। यानी गौरा माँ का शेर और बाबा भोलेनाथ का नंदी, और अगर जंगल में नंदी को देख ले शेर तो खा जाएगा। पर अरे चूहा के संग नाग घूमते नाग के संग मुरैला, अरे कुत्ता हेरे टुकुर टुकुर और सिंह के साथ मबैला, अरे देख के गया मैं जिसको हार क्या व्यवहार है, चूहा के संग नाग घूमते नाग के संग मुरैला। हमारे श्री जितेंद्र सिंह रुंकू भैया प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य बनी कोडर चतुर्थ पूरे दूलम, आपने समिति को 5551 रुपए प्रदान किए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जहां पर खुशी वहीं पर कभी गम भी होते हैं। श्री शंकर शरण श्रीवास्तव जी जो इस कमेटी के उपाध्यक्ष थे, हम लोगों के बीच तो नहीं है लेकिन उनकी यादें हम लोगों के मानस पटल पर, पूरे कमेटी पर, कि उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता था ईश्वर से उनकी आत्मा के लिए। और मैं हृदय से उनको प्रणाम करता हूँ, भले ही वो हम लोगों के बीच में ना हो लेकिन उनके कार्य हमेशा याद रहेंगे। चूहे के संग कितना बढ़िया गीत लाया है, देख के गया मैं जिसको हार क्या हार है क्या व्यवहार है, शिव जी का सुंदर सा परिवार है, और सबसे बड़ी चीजें गीतों में है विषमता में समता। जो सचदेवा ने अपना पहला गीत दिया है कि इतना विषमता है उनके परिवार में, फिर भी चूहे के संग सर्प भी है, सांप मुरैला, कार्तिकेय का मोर, नंदी शिव जी की सवारी जो बैल धर्म का प्रतीक है, और इतना विषमता, शिव जी जिनके पास अग्नि भी है, आग भी है, विष भी है, गरल भी है, और शीतलता भी है, चंद्रमा भी है, द्वितीया का चंद्रमा भी मस्तक पर विद्यमान है, तो शिक्षक ने देखा आदरणीय के एस म्यूजिक भैया बहुत अच्छा आपका, कि शिक्षक ने देखा सुखदेव जैसा, शिक्षक ने देखा सुखदेव जैसा, दानी ने देखा रंतदेव जैसा, शीतल ने देखा चंद्रदेव जैसा, तेज नहीं देखा सूर्यदेव जैसा, पालक ने देखा अन्नदेव जैसा, पुत्र नहीं देखा वासुदेव जैसा, शूटर भी देखे फाइटर भी देखे, जैसे बालर ने देखा कपिल देव जैसा, यम देव देखे वरुण देव
परदेव नहीं देखा महादेव जैसा है। बहुत बढ़िया, बोलिए जागेश्वर महादेव की। प्राइमरी में तो एक चैप्टर आता था टोकरी में क्या है, ये जो छोटे बच्चे प्राइमरी में पढ़े होंगे कि टोकरी में क्या है, लेकिन ये माननीय विधायक जी ने लिखा है कि आपके सफल संचालन के लिए माननीय श्री सतीश शर्मा जी, जो पहले हम मंचों पे जाते थे नई सड़क कोठी टेड़वा कहीं भी, तब वो जिला पंचायत सदस्य रहते थे। अब समझ लीजिए कितने दिनों से मैं इस क्षेत्र में हूँ, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां एक संकेत। भले ही वो जहां भी हो आवाज सुनेंगे कि श्रृंगार देखा नहीं दुल्हन जैसा, दर्द देखा नहीं बिरहन जैसा, देखने को तो बहुत जनप्रतिनिधि देखे पर पाया विधायक नहीं श्री सतीश शर्मा जैसा। 1100 रुपए उन्होंने संचालन पर हमें प्रदान किए। अब सीधा लिए चल रहे हैं और 5100 रुपए माननीय विधायक जी ने आपकी सफल कमेटी को जाके ये प्रदान किया। तो मैं चाहूंगा कमेटी के पदाधिकारियों के लिए भी जोरदार तालियों स्वागत करें। आइए चल रहे हैं अब आपको सीधा लिए हुए सम्मानिया नीलम विश्वकर्मा जी का आह्वान करें कि इन पंक्तियों के साथ सत्य अभियान को सर्जना चाहिए, सत्य अभियान को सर्जना चाहिए, भ्रष्ट अभियान को वर्जना चाहिए, देह की शक्ति को तोड़ना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए, अगर कोई अस्मिता पर यूं ही रखे खून है तो उसे खोलना चाहिए, ये धर्म है बकरियों का कि मैं करे सिंह है तो सदा गर्जना चाहिए। राजेश सिंह बलिया आपने इन पंक्तियों पर अपना आशीर्वाद प्रदान किया 1000 रुपए का। मैं सीधा अपनी बात को समाप्त करते हुए नीलम जी की तरफ चल रहा हूँ। गीत आया है अभी और क्या बैठ रहे हमारे भाई शरारती जी की ओर से, बहुत अच्छा बिल्कुल गीत आपने चुना है और सभी भक्तों ने सुना है। आइए मैं प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से। बिल्कुल बेटे बिल्कुल सचदेवा भैया जी आपके सुंदर से गीत काम बच्चों की तरफ से केवल प्रयास है और का बिल्कुल बेटे हम लोग टेढ़े मेढ़े खाते हैं गाते नहीं हैं। आइए जो कुछ टूटा फूटा बन जाए स्वीकार करिए और जनता जनार्दन से भी निवेदन है कि कीर्तन विधा को मैं नहीं जानती लेकिन आप लोगों का स्नेह मिलेगा आपकी तालियां मिलेंगी तो थोड़ा बहुत करने का प्रयास करूंगी। आइए बिल्कुल बैठे चलो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बैठे कि हंसता हुआ बचपन वो महका हुआ मौसम हुआ बचपन वो महका हुआ मौसम है
गीत आया है आपके लिए। एक बहुमूल्य पुरस्कार सुंदर से पुष्पों के साथ हमारे मानी सम्मानी बड़े भैया ने भेंट किया है माता भवानी के बंधन गीत पर। हमारे सम्मानी बड़े भैया भैया श्री अंकित मिश्रा जी, माता भवानी भोलेनाथ सदैव आपके अंग संग रहे। आइए, बहुत अच्छा टुकड़ा आया है भैया सचदेवा जी की ओर से। गीत में लगा है, देखिए हर जगह विरोधाभास चल रहा है। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। कहीं गंगा है भगवान भोलेनाथ के शीश में, तो नेत्र में ज्वाला है 36 का आंकड़ा। बिल्कुल बेटे। और हार आहार व्यवहार आपका काफी तगड़ा गीत है, बहुत बढ़िया गीत है, लेकिन आइए प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बेटे। भगवान भोलेनाथ को देखा तो वो विचार करने लगा कि भोलेनाथ को मैं क्या चढ़ाऊं, हार चढ़ाऊं तो इनको मुंडों की माल चढ़ी है, माता सती के मुंड कहां से लाऊंगा। तो देखिए बड़े भैया, प्रयास कर रही हूं मैं अपनी ओर से, सभी भाइयों से निवेदन है। एक भक्त फिर पहुंच गया भगवान भोलेनाथ के पास, वो सोचने लगा कि भगवान भोलेनाथ को कुछ मैं भेंट चढ़ाऊं। अधिक भगवान भोलेनाथ के सामने कुछ अपने आप को सामर्थ नहीं पा रहा है, आखिर क्या चढ़ाऊं, क्या बेटे, तो कहना पड़ा क्या कि मन में भावना मेरी मैं भी भेंट चढ़ाऊं। तो आइए, एक बार हुआ क्या, जब
तो भगवान भोलेनाथ कहना पड़ा कि भाव के भूखे भोले ना चाहिए भांग का गोला। उद्धार कर देते हैं। क्या बात है? तो कहना क्या कि भाव के भूखे भोले ना चाहिए भांग का गोला और केवल नमो शिवाय से खुश हो जाते हैं लगातार तो देखी सदा।